हाय दोस्तों, कैन वेलकम माई चैनल। जैसा कि आप सब लोग तो जानते हैं कि इस समय में क्या है कि जो वीवो फ़ोन होता है अपना, तो उस पर एक जो एडवांस सेटिंग होती है, मतलब तो उनको क्या बहुत सारे लोग जानते नहीं और उनके बारे में पता नहीं होता। तो मैंने सोचा इस पर एक सीरीज बना देते हैं वीवो एडवांस फीचर पर, तो इसीलिए मैंने एक 10 पार्ट की इस पर सीरीज बनाना स्टार्ट किया है। और उस पर मैंने 8 वीडियो सीरीज के पार्ट के बना ही दिए हैं एडवांस फीचर्स के। अभी है अपन 9वें पार्ट। 9वें पार्ट पर कुछ बात करेंगे एडवांस फीचर जो होते हैं वीवो के। तो मतलब यदि आप ये सीरीज देख लेते हैं पूरी वीवो के 10 पार्ट की जो है, तो प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। तो आप क्या है, नॉलेज जो है तो बहुत सारा बढ़ जाएगा इसको लेकर। वीवो के जो सेटिंग होती हैं एडवांस सेटिंग, उनका यूज करके आप अपने स्मार्टफोन को क्या है कि एडवांस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब एडवांस जो फीचर होते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि नया फ़ोन है क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा बता देता हूँ, तो उनको क्या पता हो जाएगा कौन कौन से फ़ीचर रहते हैं, कैसा क्या रहता है। तो उसके बाद अपन 9वें पार्ट में चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वें पार्ट में अपन बात करेंगे, तो अपन 9वें पार्ट में बात करेंगे स्मार्ट एल्बम सेटिंग की। तो ये स्मार्ट एल्बम सेटिंग होती है मतलब वीवो फ़ोन पर, उसको आप कैसे इस बिल्कुल आसानी से उसके जो फ़ीचर्स होते हैं एडवांस वाले, क्या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते और वो इसका यूज़ नहीं कर पाते। उसमें क्या रहता है कि जैसे आप मतलब कोई भी फ़ोटो या वीडियो अपन उड़ा देते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या है एक ऑप्शन रहता है कि मतलब वो फ़ोटो आपकी 30 दिन तक बैकअप में पड़ी रहेगी उड़ाने के बाद भी, या आपकी 7 दिन तक पड़ी रहेगी, या 3 दिन तक पड़ी रहेगी, ऐसे क्या है उसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं। तो वही सेटिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से उस जो वीवो की एल्बम सेटिंग है मतलब एडवांस, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप जाएंगे एल्बम में। एल्बम में आप देखेंगे आपको 2-3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर स्क्रीन स्टैंड व्हेन वाइविंग इमेज, मतलब जब आप इमेज देख रहे होंगे तो स्क्रीन क्या है आपकी वहाँ पर रुकी रहेगी, वो रोटेट नहीं होगी। तो अभी अगर इसको आप चालू कर रखते हैं तो अभी स्क्रीन रुकी रहेगी जब आप इमेज देखेंगे। ऑलवेज ऑटो रोटेट व्हेन वाइविंग, मतलब जैसे आप ये दूसरा ऑप्शन आप चालू कर देंगे तो आप जब इमेज देखेंगे, तो मान लीजिए आप अपनी वर्टिकल स्टेज स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपको वर्टिकल दिखेगी इमेज, यदि आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल दिखेगी, लेकिन ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको आप कैसे भी करेंगे वो इमेज उसी तरह दिखेगी। तो ये दोनों फीचर्स तो समझ गए होंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिल रहा होगा रिसेंटली डिलीटेड का, मतलब रिसेंटली डिलीटेड क्या होता है, यदि आप ये फीचर्स चालू करके रखते हैं इस पर आप देख रहे होंगे कि 30 डेज मैंने करके रखा है यहाँ से। अभी आप यहाँ से 7 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। बता देता हूँ ये क्या होता है, मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई फ़ोटो गलती से आपको डिलीट हो गई और उस फोटो को आपको चाहिए दोबारा, तो आपकी गैलरी में क्या है एक फ़ोल्डर बन जाता है रिसेंटली डिलीटेड का। तो उस फोल्डर के थ्रू आप क्या है कि जैसे आपकी फ़ोटो जो भी डिलीट होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी गैलरी में कैसे फ़ोल्डर बनता है। आप जैसे ही फ़ोन की गैलरी में जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको एक फ़ोल्डर मिल रहा होगा रिसेंटली डिलीटेड का। तो आप मतलब रिसेंटली डिलीटेड जैसे ही देखिए, अभी इसमें 0 दिखा रहा है, मतलब क्या है कि मैंने कोई भी इमेज, अभी मैं किसी फ़ोटो को आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये स्क्रीनशॉट है, इसको मैंने मान लीजिए डिलीट कर दिया। अभी देखिए कि ये मेरा रिसेंटली डिलीटेड में, ये देखिए रिसेंटली डिलीटेड में मेरी एक इमेज पड़ी है। और यदि मैं इसको रिकवर करना चाहता हूँ तो ये देखिए रिस्टोर करूँगा, ये दोबारा वहीं चली जाएगी। ये देखिए ये इमेज दोबारा वहाँ आ गई। तो इस तरह से आप कैसे बिल्कुल आसानी से इस फंक्शन का यूज करके आप क्या है कि इस एडवांस फीचर्स का यूज करके आप अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, और क्या है कि जो आपकी इमेज डिलीट होती है उनको भी आप बिल्कुल आसानी से बैकअप ले सकते हैं विदाउट एनी ऐप डाउनलोड किए, ना तो कोई डाटा एक्स्ट्रा लगना ना कुछ भी। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कैसे आप बिल्कुल आसानी से इस एडवांस सेटिंग का, एल्बम की जो सेटिंग होती है उसका यूज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और दोस्तों आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्या सब्सक्रिप्शन तो कोई चार्ज तो है नहीं। आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।